सास बहू और बेटियां संग आज हम मना रहे हैं पोहिला बोईशाख का ये त्यौहार, जिसमें खास मेहमान हैं बिग बॉस फेम अर्चना गौतम और उनके साथ साथ टेलीविजन एक्टर शिवानी चक्रवर्ती, जो बन गई हैं पारू और चंद्रमुखी, जिन्हें स्टाइल किया है मोहित कपूर ने। और यहाँ पर होटल गोल्ड फिंच में हो रहा है एक खास फोटो शूट। तो चलिए हम भी फिल्मी अंदाज में मनाते हैं पोहिला बोईशाख का ये त्यौहार। खूब भालो सिलसिलाई चाहत का न मैंने बुझने दिया। पहला बोशाक की बहार, बंगाली जादू, बिग बॉस 16 की अर्चना गौतम बनी बंगाली बाला, बन गई चंद्रमुखी, और देखिए इस चंद्रमुखी को मिला एक पारो का साथ जो है शिवानी चक्रवर्ती, जो रियल लाइफ में बंगाली बाला है। मेरठ की रहने वाली अर्चना गौतम को बिग बॉस में लोगों ने देखा, लेकिन आज अर्चना गौतम बन गई है बंगाली बाला। और देखिए शिवानी चक्रवर्ती के साथ कैसे रिक्रिएट कर रही हैं देवदास 2023, जहां पर पारो है, चंद्रमुखी है और ए है एक देवदास। मौका है बंगाल के नववर्ष मनाने का, जिसे कहते हैं पहला बौशाख। पहला बौशाख के इस मौके पर इन सभी पर छा गया है बंगाल का जादू। कर रहे हैं डोला रे डोला, हुलुलु की आवाज पर थिरक रहे हैं इनके पैर। अर्चना ने किया है खास बंगाली श्रृंगार, ये बंगाली साड़ी, घुंघराले बाल, बड़ी सी बिंदी और कटीले नैन, और इनको ज्वाइन किया शिवानी चक्रवर्ती ने, जो रियल लाइफ की बंगाली बाला आज त्योहार के मौके पर अपने इस त्योहार के लुक में है। और इनके साथ है मनीष राणा, जो इन दोनों के साथ बन गए हैं देवदास। ये सब पहुंचे हैं होटल गोल्ड फिंच के बंगाली न्यू ईयर फेस्टिवल में, जहां पर न सिर्फ ये बंगाल का खाना खाएंगे बल्कि बंगाल के कल्चर को भी महसूस करेंगे। कराएंगे त्योहार वाला फोटो शूट, होगा जबरदस्त डांस और साथ साथ खाया जाएगा ढेर सारा बंगाली खाना। तो चलिए आज करते हैं एक बंगाल वाला त्योहार डे आउट अर्चना गौतम और शिवानी चक्रवर्ती के पास। सबसे पहले अर्चना पहुंची मुंबई के होटल गोल्ड फिंच में, जिन्होंने आज उन्हें इस त्योहार के लिए होस्ट किया है। रूम में पहुंचकर अर्चना ने सबसे पहले अपना लुक चेंज किया, और उनका ये लुक चेंज कर रहे हैं मशहूर स्टाइलिस्ट मोहित कपूर, जिन्होंने आज अर्चना को एक खास बंगाली लुक दिया है और इसके लिए उनका ये खास मेकअप हो रहा है। बॉलीवुड के मशहूर मेकअप मैन कल्पेश जोशी कर रहे हैं अर्चना का ये मेकओवर। चल रहा है ये सब? ये मेरा मेकअप चल रहा है। आज मैं ना पता है बंगाली लुक करने वाली हूँ, और आज मैं ना करने वाली हूँ एकला चलो। तो आज हम एकला चलो करने वाले हैं, और आप देखना चाहते हो? हाँ, तो हम लोग नीचे मिलते हैं, ठीक है? तो मेकअप जो है वो स्टार्ट हो गया, हाथ में चूड़िया जो शाखा पोला है वो सब पूरा बंगाली फील पूरा मतलब ले लिया है। मतलब हाथों में हो गया बंगाली, अभी फेस पे होना बाकी है। अभी बिंदी भी लगेगी, और बिंदी में वो ऐसा वाइट वाइट लगते ना, वो भी लगेगा, क्योंकि मेरी पहली बार मैं बंगाली गर्ल बनने वाली हूँ। तो अब देखते हैं बंगाली गर्ल बन के मैं कैसी लगती हूँ। ये सब जो है कल्पेश दादा हैं साथ में। ऑफ कोर्स, ये कल्पेश जोशी हैं, और ये मेरे बहुत पुराने मेकअप आर्टिस्ट हैं। एकला चलो चलते हैं भैया। ठीक है, अभी अभी एकला चलो चलते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, तो चलो मेरे साथ एकला चलो कर रही हूँ। 6 साल से हम लोग मेकअप कर रहे हैं और साथ में है पूरे टीम की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कल्पेश मुझको क्या लुक देते हैं। बंगाली ब्यूटी। देखिए सबसे पहले उनकी आंखों को बंगाली बनाया गया, फिर उनके चेहरे की रंगत बदली गई।
आंखों की सजावट के बाद बालों को एक खास अंदाज में संवारा गया और उसके बाद मोहित कपूर ने उन्हें पहनाई बंगाली साड़ी और बन गई अर्चना बंगाली बाला। पूरी बंगाली लुक में है आज, तो पहला बैशाख के लिए हम स्पेशल फोटो शूट कर रहे हैं और ये लुक दिया है, स्टाइल किया है मोहित ने। तो मोहित बताइए, बंगाली बना करके इतनी बढ़िया लग रही है और क्या क्या सोचा था अर्चना के लिए? अरे अर्चना से काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में चल रहा था कि अर्चना मेरे हाथ में नहीं आ रही थी। काफ़ी प्लानिंग के बाद हमने लास्ट मिनट में किया, बट आई थिंक शी इज़ करिंग इट वेरी वेल। बंगाली दुल्हन बनाने का जो मेरा ड्रीम है वो फाइनली पूरा हो गया है अर्चना को। मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि अर्चना ने नीड अ चेंज ओवर एंड मेक ओवर, तो फाइनली हमने आज अर्चना का वो मेक ओवर किया एंड शी इज़ करिंग इट वेरी वेल। एक बंगाल का फेस्टिवल चल रहा है, बंगाल का न्यू ईयर होता है, उसके रिगार्डिंग हमने आज एक एक्सक्लूसिव फोटोशूट किया है अर्चना गौतम के साथ एंड बहुत ही प्यारी लग रही है। कल्पेश जोशी जी है जिन्होंने इनका आज मेकअप किया है, बहुत ही ग्लैमरस लग रही है, अच्छे हेयर स्टाइल किए हैं कंप्लीट। मैं तो बोलूँगा एक इन शॉर्ट शी लुकिंग लाइक बिपाशा बसु। बंगाली क्या 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 पहना हुआ है बताइए थोड़ा। देखो पहले तो ये चूड़ी पहनी है मैंने और उसके बाद ये क्या है, ये आप बोल सकते हो हाथों का कड़ा। हाथों का कड़ा तो ये हाथों का कड़ा और अर्चना के स्टाइल में आज हम ये सब जितनी आपने नहीं सुना होगा कभी वो भी हम सुनेंगे क्योंकि अर्चना है वो अपना स्टाइल खुद बनाती है। और ये कानों के कुंडल इयररिंग्स बोल सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो कुंडल बोलते हैं ना झुमके। और ये अपना नेकलेस इंग्लिश में हाँ, और उसके बाद हाँ अभी पता है अभी गुच्छा नहीं लेके आई, चाबी का जो सासे लगाती ना, मतलब ऐसा यहाँ पे लगाती हमारे यहाँ पे ना, यहाँ पे मतलब यूपी में यहाँ पे लगाते हैं सासे सारी, और उसमें तिजोरी की चाबी रहती। अब तिजोरी की चाबी ये भूल गए भैया, अब पता है हमने क्या जुगाड़ किया, हमने जुगाड़ की घर की चाबी को तिजोरी की चाबी बना तो ये हाँ तो ये ऐसे 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 करके ऐसे। इसके बाद एंट्री होती है शिवानी चक्रवर्ती की, जो खुद एक बंगाली है और आज त्यौहार के मौके पर बंगाली बाला बन रही हैं। भाई शिवानी का भी मेकर कल्पेश और उनकी टीम ने किया। पहला बैशाख जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज इन बंगाली न्यू कैलेंडर के हिसाब से, इट्स अ न्यू ईयर फॉर अस। जैसे चैत्र के टाइम हमारी फर्स्ट न्यू ईयर कहा जाता है, वैसे बंगाली कैलेंडर में बैसाख के बाद पहला बैशाख उसको कहा जाता है। तो हम आ गए हैं उसी के लिए, राइट मोहित? Yes. तो क्या आज पूरा मतलब मुझे बंगाली लड़की को बंगाली बना दोगे? बंगाली बना देंगे। तो मैं तो हूँ ही बंगाली लड़की, बट मोहित आज उसको और निखारने वाले हैं उस बंगाली कैरेक्टर को। तो लेट्स सी, सब भालो भालो होबे और सब शुभ शुभ होबे। शुभ शुभ एंड भालो भालो करके हम कुछ करने वाले हैं। मैं मोहित को बंगाली सिखा के ही जाऊंगी आज। हाँ मुझे लग रहा है जिस हिसाब से हमारी आज की तैयारी है, कॉस्ट्यूम्स हैं, बॉयज हैं, हमारे पास दो एक्ट्रेसेस हैं, तो आई थिंक वी विल बी क्रिएटिंग लॉट ऑफ गुड कंटेंट टुडे। कंप्लीट कोलकाता वाइब्स गाइस। हाँ तो हम खूब खूब भालो भालो कंटेंट शूट, शुभ शुभ कंटेंट शूट करने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे मेरे मोस्ट फेवरेट हैं कल्पेश जोशी जी। सर बताइए क्या तैयारी है आज की? आज बस फुल प्रिपेयर्ड है बंगाली लुक के लिए। हाँ जी, कैसा लुक दिया हुआ है अभी तक जो किया है? क्या सा मेकअप? जो स्पेशली बंगाली लुक के लिए जो लगता है, लाइक बड़ा सा बिंदी, फिर वाइट डिजाइन, फिर कर्ली हेयर,
तो परफेक्ट हम विंग आईलाइनर तो टिपिकल कोलकाता मूड में ट्रेडिशनल फुल ट्रेडिशनल लुक आज जो स्टाइलिंग दिखा देते हैं थोड़ा सा मैसी है आज मेरे पिटारे में बहुत सारी चीज़ें हैं बस शुरुआत करेंगे अनीता मेरी हेल्प के लिए आ जाओ बेटा तो ये कोलकाता की जो ट्रेडिशनल होती है ये साड़ी रहेगी ठीक है और उसी टाइप की ज्वेलरी दिखाते हैं हम आपको बहुत ही अच्छी ज्वेलरी लेके आए हैं हम और शिवानी भी साड़ी वाड़ी पहनकर हेयर स्टाइल वगैरह बनाकर बन गई है बंगाली बाला तो लग रही है बिल्कुल देवदास की पारो तो वहीं पर अर्चना बन गई है चंद्रमुखी सिलसिलाई चाहत का न मैंने बुझने दिया ओ पिया देवदास मूवी थी ना हाँ तो वो वाला मैं सोच रही हूँ कि एक रील बना लूँ उस पे ना तो आज मैं बनी हूँ बंगाली गर्ल यानी बंगाली देसी गर्ल बनी हूँ मैं तो आप देख रहे हो कि मेरा लुक कैसा लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मतलब होता है ना नए नए कल्चर नए नए पोशाक पहनना कितना अच्छा लगता है तो मेरी लाइफ में मैंने पहली बार बंगाली लुक रखा है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कुछ खास कनेक्शन सा हो गया है नहीं बंगाली कनेक्शन हो गया है ये अर्चना का मुझे पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो ना बिग बॉस में एकला चलो वो कौन भूलेगा वो सच में मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल था कि वो जो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मैंने आंटी की मजाक बनाई उस पर बहुत बवाल हो गया और इतना मजा आया है वो सीन जब मैं देखती हूँ मैंने कहा ओह माय गॉड अर्चना क्या किया तूने तो बहुत इंजॉयमेंट किया मैंने सीरियसली तो ये कनेक्शन है वो साफ साफ दिख रहा है कि कितना दिल के करीब आ गया है अर्चना के तो जरा देखें कि 2023 में जब मेरठ की चंद्रमुखी मिलेगी बंगाल की पारो से तो क्या होगा ओगो सुंदरी तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो शोती शोती मतलब सही में रियली बहुत प्यारी लग रही हो मेरी मेरी चंद्रमुखी इश इश वैसे दोनों चंद्रमुखी और पारो तो आ चुकी हैं लेकिन पहला बौशाख पे आज एक देवदास भी इनका इंतजार कर रहा है अभिनेता मनीष राणा जो आज इस बंगाली कुर्ते और धोती में बिल्कुल देवदास और व्योमकेश पक्षी लग रहे हैं और देखिए जब देवदास मिला तो पारो और चंद्रमुखी का डोला रे डोला शुरू हो गया बैशाख का मौका है और आज देखिए यहाँ पर देवदास बदल गया तीन तीन देवदास है लेकिन चंद्रमुखी और पारो एक दूसरे में लगी हुई है ये क्या चल रहा है अर्चना ये लौंडे कुछ कर नहीं रहे संभालना पड़ा खालिस यूपी वाली पूरे देश ने आपको देखा बिग बॉस में ये बंगाली कल्चर जो बड़ा ही फेमस है कैसा लगा आपको शिवानी ने आज आपको काफी चीजें सिखाई तो कैसा यहाँ पर और वो मीठी भाई मिस्टी दोई ये सब मैंने सीखा मतलब बंगाली में हाँ। बंगाली थोड़ी बहुत आती है कितनी बंगाली आती है मुझे मतलब हाँ एकला चोलो एकला, एक
एकला चोलो रे, तो ये आपका बहुत कनेक्शन है। बहुत ज्यादा तो वही एक सीखा है मैंने, एकला चलो रे तुम ही नोरी नस तो कोची ना यो ए न न न एकला चलो रे, मतलब ये गाना मुझे आता है थोड़ा थोड़ा। बस बहन आई एम कन्विंस्ड ডাকশুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাকশুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। মতলব ই তুম পে বহুত জাতা হ্যায় তুমারে নেচার পে জো তুম বিন্দাস হো অর জো শেরনিত কি তরহ আকেলে ফাইট কিয়া কি চাহে কোই আয়ে না আয়ে আপন আপনে রাস্তে মে আকেলে। আচ্ছা ইসকা মতলব ইয়ে হ্যায়, সো দিস ইজ ভেরি টাইগ্রেস হ্যায়। এক্স্যাক্টলি ইয়ে মেরঠ কি টাইগ্রেস হ্যায় অর মে কলকাতা কি। আর এক অর আমি আমি তুমি আমি তোমাকে ভালোবাসি। হ্যাঁ আমি তোমারকে ভালোবাসি। কিছু কো বলা নাই ইয়ে আই লাভ ইউ মতলব। হ্যাঁ কি গো কি গো শুনছো শুনছো তোমারই চশমাটা তোমারই চশমা তো অনেক ভালো লাগছে অনেক ভালো লাগছে। ইশ ফুল মজা আয়া ওর মতলব টিচার মিলি না বহুত আজ টিচার হ্যায় আর বহুত ডিফিকাল্ট হো রাহা থা মুঝে পর ইনহোনে মুঝে বহুত আচ্ছে সে সিখায়া তো মেনে সিখ লিয়া। Good. But अभी मुझे दोबारा याद नहीं आ। कोई बात नहीं। Good student you are. Yes. Boys से पूछते हैं, मनी राणा आपको कैसा मजा आया आज बंगाली कल्चर में ढलकर दो खूबसूरत लड़कियों के बीच में? मुझे इतना मजा आया, एक तो ये धोती और ये जो बंगाली ड्रेस है तो काफी अच्छा लग रहा है। चश्मा इनका मेन होता है जो उसमें दिया हुआ है ब्योमकेश ना ब्योमकेश बख्शी, तो उसका मैंने लुक किया आज तो काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ। और आपके साथ आप वैसे बंगाली हो तो काफी कुछ सीखने को मिला आपसे। और आप तो वही मेरठ की शेरनी तो यूपी और हरियाणा का कॉम्बिनेशन मिक्स हो गए। हाँ। आज बंगाली में जा रहे थे हम तो काफ़ी मज़ा आया। ये पूरा अपोजिट कॉम्बिनेशन है, मैंने जितने भी शोज हाँ। कर रही हूँ या किए हैं वो मैंने सारे यूपी के किरदार किए हैं, बींग अ बंगाली गर्ल। और हाँ। अभी आप मेरा किरदार कर रही हो तो देखो कितना सही मिलन है एक्चुअली पहला वैशाख में। दिस इज द ग्रेट कॉम्बिनेशन एक्चुअली। तो मुझे भी तब बहुत ही तारीफ मिलता है जब हम करते हैं तो पूरा यूपी हम बहुत अच्छा बोल लेते हैं, दिल गदगद हो जाएगा आपका सुन के। देख रहे हैं फुल हमारे भारत की खूबसूरती है, त्योहारों पर ऐसी कल्चर्स का जो मेल मिलाप होता है। जाती जाती ये फोटोशूट जो हुआ कैसा रहा सबसे मैं जानना चाहूँगा, मोहित कपूर ने और पूरी टीम ने कितनी मेहनत की? बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट आप देख रहे हैं मेरा जो लुक मेरा जो बिल्कुल चेंज ओवर हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कुछ डिफरेंट किया। मतलब मैं चाहती हूँ कि जितनी भी भारत है और भारत के जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं उन सबका पोशाक मैं पहनूँ और उनकी पोशाक में हर किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करूँ। तो ये मैं एक भारत का नागरिक हूँ तो मैंने आज बंगाली को रिप्रेजेंट यानी बंगाल को मैंने रिप्रेजेंट किया तो मुझे बहुत खुशी है। ये आई एम सो हैप्पी दैट मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट जो रही है बिग बॉस में उनके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ, वो भी मेरे कल्चर की थीम को। एंड आई एम सो हैप्पी टू एक्सप्लेन हर कि इसको ये बोलते और अर्चना के साथ इसलिए और मज़ा आ रहा है क्योंकि बांग्ला को जो तोड़ फोड़ करके बोल रही है ना मज़ा आ रहा है। मतलब वही उनका USP है जो कि मतलब एकला चलो का एकला चलो रे हो गया, इसलिए मैंने गाना भी आपको डेडिकेट किया बिकॉज इट्स एक्चुअली हमारे हर किसी पे वो गाना सूट करता है जो अकेला फाइट कर रहा है, जो अपने लिए आगे बढ़ रहा है बिना सोचे लोगों की, तो वो तो है ही हम सब में। और देखो आजकल की लड़कियां बहुत आगे है, अकेली नहीं है और अकेली चलती हैं वो। Exactly. उनको मतलब ज़रूरत नहीं है, तो ये गाना हर किसी लड़की पे हर किसी महिला पे सूट करता है। इसके बाद बारी थी होटल गोल्ड फिंच के पहला बोशाक के खास फेस्टिवल को देखने की। अब चूंकि शिवानी है बंगाल की तो उन्होंने मेरठ की अर्चना को बंगाली ट्रेडिशन और बंगाली डिशेस का नाम बताया। सो अर्चना कैसा लग रहा है ये सब देख के? ये बहुत अच्छा है यार, ये फिश देखो तुम। हाँ ये नाम क्या है? पापदा माच। पापदा हाँ पापदा। तो एक्चुअली क्या है ना अभी नहीं नहीं गोल बारीर हाँ दिस इज अ हाँ गोल मटन दिस इज कोशा मांगशो मतलब चिकन। ये मुड़ी घंटो घंटो टो ओ हाँ दिस इज मुड़ी घंटो हो गया। दिस इज झूरी आलू भाजा। झूरी झूरी मतलब ये झूरी में रहता है इसको बोलते हैं झूरी। अच्छा। और उसमें हमने आलू भाजा डाला है। गाइस झूरी घंटो आलू भाजा झूरी आलू भाजा एक्चुअली हम वो खाते हैं ना आलू की फ्राइज
समझ लो ये वही है, कस करके बनाया जाता है, फ्राई करा जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, रुको रुको, सब बताऊंगी। एक्चुअली आज हम इधर क्यों आए हैं, ये सब इतने अच्छे अच्छे डिशेस क्यों बने हैं, उसके लिए तुम्हें हिस्ट्री तो जाननी पड़ेगी ना कि थ्योरी क्या है इसके पीछे और हम किनकी वजह से यहाँ आए हैं। कैसे बनाते हैं? बताती हूँ, होल्ड, आपको कोई ना कोई बताएगा, इसके स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे। तो शुभदीप सर आइए प्लीज, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। एंड पार्थोदा, ये हमारे शेफ है। नमस्ते। ऑथेंटिक कोलकाता का जो फ्लेवर है यही लाए हैं सब खाने में। तो अब ओवर टू यू। तो आई टेल यू ब्रीफली, ये पार्थो कोलकाता से आया है एंड वो कोलकाता में एक बहुत पुराना रेस्टोरेंट है बसंत केबिन बोल के, उधर से शुरू किया था। उसके बाद आईटीसी सोनार में भी काम किया है। अभी अभी हर जगह पे वो फेस्टिवल्स करता है, तो हमारे इधर पे भी वो लेके आया है पूरा प्योर कलकत्ता का टेस्ट। धोखा कैसे बनता है आपको बताना पड़ेगा। धोखा जो है ये हम लोग का बंगाली बहुत फेमस डिश है खाने के लिए, जो हर बंगाली घर में बनता है, कोई भी अनुष्ठान हो कुछ भी हो। ये ऐसा डिश है जो इसको बनाने में आपका छोला दाल बांग्लाई बोला जाए किंबा चने की दाल, हाँ हिंदी में बोले तो चने की दाल, और धुला हुआ उड़द दाल, और उसके संग हम लोग का जो पीनट बोलते हैं बादाम, चीना बादाम बांग्लाई जेटा के चीना बादाम बोले, वोटा तीनटे कम्बिनेशन एक पड़े ठीक यही पेस्ट करे उठाके भिजिए पेस्ट करे, उसके बाद इसको भुना जाता है, फिर जमाया जाता है, काटा जाता है, फ्राई होता है। हाँ, फ्राई करके फिर इसका पकौड़ी, जैसे पकौड़ी बनती है, पकौड़ी जैसा नहीं, हाँ गट्टे जैसा, गट्टे जैसा उसको जमा के फिर काट के फ्राई करके फिर इसका अलग से ग्रेवी बनाया जाता है, प्याज वगैरह डाल के, हाँ कुछ तो काजू डाल के ग्रेवी जब हो जाता है फिर इसको ये गट्टा को सब्जी में ग्रेवी में डाल के ये सब्जी बनता है। हमारे हमारे शेफ के हिंदी भी हमारे कलकत्ता का पूरा इन्फ्लुएंस है। वो तो चाहिए, थोड़ा फ्लेवर चाहिए। तो ये फेस्टिवल जो हम लोग कर रहे हैं वो एक्चुअली ब्योमकेश बख्शी के ऊपर है। सो ही वाज देयर फ्रॉम 1930 टू 1970। हमारे सारे खाना आप देखोगे बंगाली भी है, चाइना टाउन का चाइनीज भी है, पार्क स्ट्रीट का कॉन्टिनेंटल भी है, और आपका मुगलाई भी है। सो ये कलकत्ता का खाना है फ्रॉम 1930 1970। और ये हम लोग फेस्टिवल 7 से 23 अप्रैल तक कर रहे हैं। नोट डाउन, 7 से 23 अप्रैल। ऐसे अच्छा अच्छा खाना है तो प्लीज आइए। और बंगाली न्यू ईयर भी है बीच में, तो प्लीज आप सब आइए और एंजॉय कीजिए। आप लोग भी आपके फैमिली के साथ आइए। सास बहू और बेटियां के सभी दर्शकों को शुभो पोयला बोईशाख। मस्त है, बताओ क्या है? आलू पोस्तो। यस, ये वेरी गुड, गुड गर्ल। इट्स आलू पोस्तो जिसमें आलू और खसखस डाल के बनाया जाता है, और सारी चीजें हमारी सरसों के तेल में होती है, तो जो तुम्हें स्मेल आ रही है वो सरसों के तेल की, सरसों का तेल हमारे इधर भी चलता है। सही पक रहे हैं, बहुत मजा आ जाता है। सो गाइस, आप आए क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है और यहाँ पे यम्मी बंगाली फूड है। अर्चना तो अभी बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है खाने में। हाँ खाने में, हाँ। और मैं तुम्हें एक एक डिश के बारे में बताऊंगी, डोंट वारी। आप थोड़ा मीठा हो जाए। यस, मैं भी सोच रही हूँ। ये मिश्री दही, ये मेन होता है देखो हांडी में। ये रेड दही होती है, ये रेड दही, हाँ ये दही है, प्रॉपर दही है। ये जैसे अपन दही खाते हैं ना, लेकिन मीठा है। गुड़ से, शायद गुड़ या चीनी से आता है। अच्छा, गुड़ की, हाँ। मिष्टी दोई, मिष्टी दोई, दही मतलब दोई। दही को ओ से बोल दो बस, दोई। मिष्टी दोई, दिस इज मिष्टी दोई। और कोलकाता में मतलब कोलकाता का खाना ट्राई करो और मिष्टी में कुछ ना हो और दही ना हो तो हो ही नहीं सकता। पिक्चर बाकी है तो हम दही के साथ ही एंड करेंगे। और मैंने भी सुना है कि रसगुल्ला, रसगुल्ला भी होता है, हाँ रसगुल्ला तो भी। ये गुलाब जामुन है, रसगुल्ला वो इतना बड़ा होता है ना, वो तो वाइट होता है। मैंने खाया है, खा लिया है ना, हाँ खा लिया। तो ये तो मेन था, ये दोई होता है जो हांडी में ही होता है, इसका स्पेशलिटी और इसका कलर है। बिल्कुल आप टेस्ट करिए। तो अब अर्चना ट्राई करने जा रही है मिष्टी दोई, लेट्स सी कैसा लगता है तुम्हें। डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट है, थोड़ी रबड़ी टाइप, बट
ये दही है पर इसमें कलर वाओ बहुत टेस्टी है, मजा आता है। इसमें रबड़ी का भी फ्लेवर आ रहा है। हाँ, रबड़ी का आता है और दही भी है और चीनी भी है। चीनी और आई थिंक शायद गुड़ भी हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेस्टी है। मिष्टी दोई, मिष्टी दोई मतलब वहाँ का ऑथेंटिक है। घर घर में आपको मिष्टी दोई मिलेगा वहाँ पे और रोज खाते हैं हम लोग दही। वाओ, तो ऐसा है। इसमें खोया भी लग रहा है मुझे। नहीं नहीं होता है, नहीं होता वो, दैट इज डिफरेंट। ओके, बट मजा आया मिष्टी दोई खा के। आज सब डाइट वगैरह अर्चना डाइट कर रही थी, साइड में रख रहे। हाँ अर्चना, वैसे आज आपकी डाइट का क्या हाल है? देखो पता है क्या है, एक ही जन्म मिला है। हाँ। मैं बता रही हूँ। हाँ। पेट भर के खाओ, टेंशन नहीं। मोटे हो गए तो क्या होगा? हो मोटे भी तो अच्छे होते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो, क्या हो गया उसमें? तो मतलब कैसे यहाँ पे और फेस्टिवल में खूब खाओ। हाँ, आप पेट भर के खाओ, टेंशन मत लो। फिगर आज है, कल नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बना लेंगे फिगर भैया। इसके बाद हुआ फोटोशूट का मौका, जहां पर अर्चना ने कैमरे पर अपने ढेर सारे लुक्स दिए। के बाद बारी थी शिवानी की। और उसके बाद एक ग्रुप फोटोग्राफ्स की। इसी के साथ अर्चना गौतम और शिवानी ने अपने देवदास के साथ मनाया पहला बोशाक का त्यौहार। त्यौहार के मौके पर इकट्ठा किया है, कितना मुश्किल था? हम लोगों ने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं, आपने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, सच में बहुत ही कोऑपरेट किया। सभी के अलग अलग फीचर्स हैं, बट सभी ने अच्छे तरीके से बंगला लुक को कैरी किया है। आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। आई वाज श्योर अबाउट हर बिकॉज शी इज अ बंगाल, बट द वे, ये तो मेरी फेवरेट हो गई है। पहले से थी ऑफकोर्स, बट मौका नहीं मिल रहा था। अब होता है ना कि बिल्कुल दिल तूने मारी एंट्री आ, तो दिल में बजी एंट्री आ, बट सच में बहुत मजा आया। ऑल आर लुकिंग फैबुलस। गोल्डफिंच होटल की खास पेशकश थी, उनका हमारे साथ हर बार कोलैबोरेशन होता है। इस बार वी आर डूइंग उनका जो फूड फेस्टिवल है, उनको एंजॉय करते हुए बंजारा रेस्टोरेंट के अंदर अभी हम अच्छा खाना एंजॉय करने वाले हैं, अच्छे अच्छे फेसेस के साथ, मजा आ रहा है। हमारे जैसा लुक किया आप देख सकते हैं। हाँ सर, आप तो हमें बाइट देते हैं, हमें जो फील आ रहा है, क्योंकि और ये है जो हम, हाँ, ये भी बहुत अच्छा बांग्ला बोलते हैं, ये छुपे रुस्तम लाल धोती, इनकी आपकी साड़ी के साथ। अगेन अगेन बैग। उसी के साथ हिंदू न्यू ईयर शुरू हो जाता है और बैसाख का मौसम भी। और अर्चना और शिवानी ने आज बंगाली रूप धरकर इस कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया के साथ।
मुंबई से नुपुर मौची और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।